धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने कट्टा लेकर बारातियों को धमकाया। पंडित जी बोले, हर मामले को बागेश्वर धाम से ना जोड़े। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई के गुंडागर्दी करते वीडियो वायरल हो, मामले को बागेश्वर धाम से ना जोड़ा जाए। बागेश्वर धाम सरकार लगातार चर्चा में बनी हुई है। हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर लगातार विवादों में रह रहे धीरेन्द्र शास्त्री अब नए विवादों में आ गए हैं। उनके भाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पिस्टल दिखाकर दबंगई कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई का ये वीडियो एक शादी समारोह का बताया जा रहा है। वीडियो शालिग्राम गर्ग हाथ में पिस्टल लिए धमकी देते देखा जा रहा है, मुंह में सिगरेट लिए सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद छतरपुर पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया है। बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया का इंतजार है। क्या है पूरा मामला? वायरल वीडियो के मुताबिक बीते 11 फरवरी को छतरपुर जिले के गड़ा गांव में अहिरवार समाज की शादी थी। इसी शादी समारोह में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भाई भी पहुंचा था। इस दौरान उसके एक युवक से बहस हो गई, जिसके बाद वो उस युवक को कट्टा निकालकर धमकाते हुए नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि वह मुंह में सिगरेट दबाया है और हाथ में कट्टा लहरा रहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जब लोग बीच बचाव करना शुरू किए तो बागेश्वर सरकार के भाई ने उन लोगों के साथ गाली गलौज भी की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग ने मामले की हकीकत जानने के लिए और उसकी जांच के लिए एक टीम गठित की। इसके बाद पुलिस विभाग का कहना है कि मामले की जांच के बाद जो हकीकत सामने आएगी उसके बाद प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा शास्त्री के भाई पर आरोप है कि उसके साथ कुछ और भी लोग थे, जिन्होंने शादी समारोह में अराजकता फैलाने की कोशिश की। वीडियो सामने आने के बाद अभी तक बागेश्वर सरकार के मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बस उनका कहना है कि हर मामले को बागेश्वर धाम से ना जोड़ा जाए। इसके अलावा कहा, कोई क्या करता है इसकी जवाबदारी नहीं ले सकते। अगर हम बागेश्वर धाम है और यहाँ के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें तो इन दिनों काफी विवादों में चल रहे हैं। जहाँ पर एक कुनबा उनके साथ खड़ा है, वहीं पर बहुतायत मात्रा में लोग उनके खिलाफ खड़े हैं।